नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। ये वक्त है आज की कोरोना रिपोर्ट को देख लेने का। छतरपुर जिले में कोरोना का जानलेवा कहर जारी है। सोमवार को मौत का एक और मामला सामने आया है। छतरपुर शहर के ही एक 65 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना संक्रमण के चलते दिल्ली में मौत हो गई। शहर के नौगांव रोड पर रहने वाले 65 वर्षीय श्रीकांत गुप्ता ने दिल्ली में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। श्रीकांत गुप्ता के परिवार के ही 5 अन्य लोग भी संक्रमण की चपेट में आए थे, जिनमें से 2 लोग रिकवर कर चुके हैं। 3 लोगों का इलाज अब भी चल रहा है। उधर 3 नए मामले भी सोमवार को सामने आए। देखिए आज की पूरी रिपोर्ट। छतरपुर जिले में कोरोना संक्रमण का जानलेवा कहर जारी है। सोमवार को छतरपुर के लिए दिल्ली से बुरी खबर आई। यहां पिछले 15 दिन से इलाज करा रहे छतरपुर निवासी 65 वर्षीय श्रीकांत गुप्ता की मौत हो गई। श्रीकांत गुप्ता शहर के नौगांव रोड पर बजाज एजेंसी के समीप रहते थे। उन्हें 2 अगस्त को ग्वालियर में इलाज के दौरान संक्रमण की पुष्टि हुई थी। ग्वालियर से ही वे बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हो गए थे। हालांकि दिल्ली में भी उन्हें राहत नहीं मिली। पिछले लगभग 1 सप्ताह से वे वेंटिलेटर पर थे। सोमवार की सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। ये जिले में कोरोना संक्रमण से हुई 11वीं मौत है। इसके अलावा भी 3 ऐसे लोगों की जानें जा चुकी हैं जो छतरपुर के निवासी थे, लेकिन अन्य शहरों में कोरोना संक्रमण से पुष्टि होने के बाद बाहर ही उनकी मौत हुई। स्वास्थ्य प्रबंधन से मिली जानकारी के मुताबिक श्रीकांत गुप्ता के ही परिवार के 5 अन्य लोग भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आए हैं, जिनमें से 2 लोग इस बीमारी को परास्त कर रिकवर हो चुके हैं। शेष अन्य लोगों का इलाज दिल्ली में चल रहा है। संक्रमितों के संपर्क में आए 3 नए केस सोमवार को मिले। जिले में कोरोना संक्रमण के 3 नए मामलों की पुष्टि सोमवार को हुई। हालांकि ये सभी मामले पहले से संक्रमित लोगों के परिवार से ही जुड़े हैं। 15 अगस्त को हुई 103 लोगों की सैंपलिंग के नतीजे सोमवार की शाम सामने आए। इनमें महाराजपुर निवासी एक 30 वर्षीय युवक और एक 70 वर्षीय बुजुर्ग संक्रमित पाया गया है। उक्त दोनों 14 अगस्त को महाराजपुर में ही पॉजिटिव निकले एक व्यक्ति के पारिवारिक सदस्य हैं। इसी तरह राजनगर क्षेत्र के ग्राम घुंचू में एक 45 वर्षीय महिला पॉजिटिव पाई गई है। उक्त महिला के घर से भी 14 अगस्त को एक 56 वर्षीय व्यक्ति संक्रमित मिले थे। सोमवार को जिले से 1 मरीज कोरोना को परास्त कर घर पहुंचे। एक नजर आज की फैक्ट फाइल पर। छतरपुर जिले में कुल संक्रमितों का आंकड़ा अब 465 हो चुका है। इनमें से 384 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। जिले में अब भी कोरोना के 70 एक्टिव केस मौजूद हैं और अब तक जिले में 14,978 लोगों की जांच हो चुकी है। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। कोरोना का खतरा किसी भी रास्ते से आपके घर तक पहुंच सकता है। आपके आंगन की किलकारी और बुजुर्ग इस खतरे से बचे रहें, इसीलिए इससे बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। आपकी सुरक्षा और सुविधा को सबसे बड़ी प्राथमिकता देते हुए अब svcitymart.com लाया है सुरक्षित और किफायती खरीदारी का सर्वोत्तम अवसर। svcitymart के ऐप अथवा वेबसाइट पर या व्हाट्सएप पर जाकर आप घर की दैनिक जरूरत का सारा सामान ऑर्डर कर सकते हैं। आपके ऑर्डर का सारा सामान पीपीई किट, ग्लव्स और मास्क जैसे सुरक्षा साधनों से लैस कर्मचारियों द्वारा पैक किया जाता है। एक एक सामान का सैनिटाइजेशन कर उसकी डबल पैकिंग की जाती है ताकि आपके पास डिसइंफेक्टेड सामग्री पहुंचे। पैकिंग के बाद यही सामग्री डबल पैकिंग में उन कर्मचारियों के द्वारा आपके घर भेजी जाती है जो कोरोना सेफ्टी से लैस होते हैं। आपके दरवाजे पर कर्मचारी एक बैग को खोलकर आपको उसके भीतर मौजूद दूसरा बैग देता है जो पूरी तरह से अनटच्ड होता है। इतना ही नहीं, 100% सेफ्टी के साथ ही आपको इसका बिल भी ऑनलाइन दिया जाता है, जिस पर आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं अथवा UPI या फिर कैश के माध्यम से भी आप बिल पेमेंट कर सकते हैं। सेफ्टी के साथ ही हम आपको देते हैं हर खरीद पर 5-25% तक का भारी डिस्काउंट। साथ ही आपसे मिले मुनाफे का 2% जाता है गरीब बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और खाने की जरूरतों पर। इसके साथ ही आप हमारे डिलीवरी बॉय को भी
अपने घर पर पड़ी पुरानी चीजें जैसे कपड़े, जूते, चप्पल आदि गरीब बच्चों के उपयोग के लिए दान कर सकते हैं। ये सब कुछ अब छतरपुर में SB मार्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें या व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 9179853535।